Hello, everyone, and welcome to Trade Talk by FISDM. Markets the week ahead. ये शो में हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, निफ्टी डिस्कस करते हैं, बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं, उसकी एनालिसिस, डेटा क्या बताती है. तो पहले स्टार्ट करते हैं कि ये वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. ट्यूसडे को अर्निंग्स है कुछ बड़े स्टॉक्स की, एक्सिस बैंक, कर्नाटक बैंक, पीडी लाइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स. वेडनेसडे को बजाज ऑटो, कैनरा बैंक, डीएलएफ, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, तो बहुत ही बड़े काउंटर्स के अर्निंग्स है. थर्सडे को जैसे आप देख सकते हैं एसीसी, सिप्ला, आईएक्स, आईजीएल. फ्राइडे को इंडियन डिपॉजिट ग्रोथ बैंकिंग के लिए हमारा डेटा आ रहा है, इंडियन लोन बुक ग्रोथ बाहर आने वाला है. और सैटरडे को जो है 27 तारीख, दो बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं, एचपीसीएल और यस बैंक. तो ये है हमारा ये हफ्ते का व्हाट टू एक्सपेक्ट, डेटा जो आएगा व्हाट टू एक्सपेक्ट. तो अर्निंग्स है, मार्केट्स के मूवमेंट अर्निंग के हिसाब से चलेंगे. जैसे कि आपने लास्ट वीक देखा कि एचडीएफसी के रिजल्ट के हिसाब से पूरा मार्केट घूम गया था. तो ये वीक आप इसमें से बताइए कौन से स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जो मार्केट्स को घुमाएंगे. कमेंट सेक्शन में डोंट फॉरगेट टू पुट स्टॉक्स व्हिच यू थिंक विल इंपैक्ट द मार्केट्स इन द कमिंग वीक. तो स्टार्ट करते हैं हमारे निफ्टी के एनालिसिस के साथ. अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हो डेली बेसिस पे, तो अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था, ये एचडीएफसी रिजल्ट के कारण हुआ था. दो दिन निफ्टी में हल्की सी बाइंग दिखी थी, पर फ्राइडे को जो लास्ट ट्रेडिंग डे था थोड़ा सेलिंग आया था. सो बेसिकली सैटरडे को लास्ट ट्रेडिंग डे था, तो सैटरडे को कुछ सेलिंग दिखा था, रेड कैंडल बना था. वीकली बेसिस पे देखो तो बहुत ही बड़ा कैंडल है. एक पॉजिटिव जो मैं ये कैंडल में देख रहा हूँ कि उसका क्लोज प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे नहीं आया अभी तक. दो लो नया बना है पर क्लोज नहीं आया. तो बेसिकली वेट एंड वॉच रहेगा ये वीक में, ये हफ्ते में. आप देख सकते हो कि बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं ये हफ्ते में, तो निफ्टी की मूवमेंट ये रिजल्ट्स डिसाइड करेगी. अभी के लिए आप देख सकते हो कि बड़ा कैंडल, रेड कैंडल, मतलब मार्केट्स निफ्टी गिरा था 322 पॉइंट्स से, डाउनसाइड दिखी थी ओपन से और प्रीवियस लो को तोड़ा पर क्लोज दे दिया लो के ऊपर. तो हम देखेंगे कि ये प्रीवियस लो तोड़ रहा है कि नहीं. तो ये हफ्ते का जो कैंडल बनेगा उसको दो लेवल्स फॉलो करने होंगे, प्रीवियस कैंडल का जो लो है 21,448 और अभी वाले वीक के कैंडल का जो लो है 21,285. वो देखेंगे, अगर ये टूट गया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और डाउनसाइड आएगा, पर अगर नहीं रहा तो साइडवेज से अपसाइड मूव मिल सकता है. और अगर आप मंथली कैंडल के हिसाब से देखो तो मंथली कैंडल इज नॉट दैट बैड येट. मंथली निफ्टी इज ओनली डाउन 160 पॉइंट्स. तो लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट दिस मंथ हैज इन स्टोर फॉर अस. वी आर ऑलमोस्ट ऑन द मंथली एक्सपायरी. So we'll see how, what the market does in the coming week. Let's quickly go to data. Quickly data देख लेते हैं कि हमारा हमारे जो important levels है Nifty पे वो levels कौन से है और आपको ये levels cash basis पे track करने हैं. तो 21,285 और 20,976 जो कि बहुत ही important levels है वो आप support गिन सकते हो. Nifty यहाँ से घूम सकता है और resistance जो है ये हफ्ते के लिए 21,440 और 22,050 पे है. तो आप ये levels important levels है, लिख when Nifty crosses these levels or comes to these levels, look at opportunities. Open interest के हिसाब से अगर आप देखो तो highest call writing 22,000 पे है, उसके बाद 21,700 पे है, 21,700 पे. तो आप call writing देख सकते हो कुछ खड़ा है 21,700, 22,000 पे. पुट राइटिंग अगर आप देखो तो 21,500 और 21,600 पे खड़ा है. सो हाईएस्ट पुट इज 21,500, निफ्टी स्पॉट 21,570 पे है. सो बेसिकली द मार्केट इज सेइंग कि दिस शुड फॉर नाउ होल्ड और ऊपर के साइड पे 21,700 और 22,000 हमारे लेवल्स है. अब अभी बैंक निफ्टी की ओर जाएंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे और बैंक निफ्टी के चार्ट में एनालाइज करेंगे कि क्या दिख रहा है.
पहले तो अगर आप डेली चार्ट देखो बैंक निफ्टी का, तो बहुत ही बड़े गैप डाउन से खुला था। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के हिसाब से 2000 पॉइंट गिरा था बैंक निफ्टी प्रीवियस क्लोज से, और फिर वहां से कुछ हल्की सी बाइंग दिखी है। तो आप देख सकते हो कि जो लास्ट सैटरडे को था, निफ्टी नीचे थी पर बैंक निफ्टी में बाइंग दिख रही थी। तो दैट्स अ ग्रीन शूट। अच्छा खासा नीचे से आप बाइंग देख रहे हो, नीचे के लेवल से। ऑल्सो आप वीकली देखो तो वीकली मूविंग एवरेज से बैंक निफ्टी ने बाउंस दिया है अभी के लिए। तो ये लो जो बनता है बैंक निफ्टी का लो, जो कि लास्ट वीक का लो था 45,430, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनता है हमारे लिए। अगर ये लेवल नहीं तोड़ता है तो आप बैंक निफ्टी में साइडवेज टू अपवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अपसाइड पे आप देख सकते हो बहुत सारे वीकली कैंडल्स वहां पे है, तो अपसाइड पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आने के लिए सम ऑफ द स्टॉक्स हैव टू शो सम गुड रिजल्ट्स, जैसे कि आप देख सकते हो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है सैटरडे को, तो वो इम्पैक्ट करेगा बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के मूव पे। बैंक निफ्टी के डेटा पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या लेवल्स है इंपॉर्टेंट और ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है। तो डेटा के हिसाब से 45,430 और 44,950 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और रेजिस्टेंस के साइड पे देखो तो 46,200 और 46,900 इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का देखो तो 46,000 पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है अभी, जहाँ पे पुट राइटिंग भी है कॉल राइटिंग भी है, और उसके बाद 46,500 और 47,000 पे बड़ा सा कॉल राइटिंग खड़ा है। तो पुट्स 46,000 पे ही है और अभी बैंक निफ्टी भी 46,000 पे ही है। तो आप देख सकते हो कि 1,000 पॉइंट की रेंज बन चुकी है, तो ये रेंज हम ये वीक में फॉलो करेंगे और देखेंगे मार्केट कहाँ पे बंद हो रहा है। तो ये थी हमारी इंडेक्स की एनालिसिस, निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई और आपने ये एनालिसिस से बेनिफिट किया है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच और हैप्पी ट्रेडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक।